भगवान वाल्मीकि हम सब लोग जानते हैं आदि कवि थे। मुझे लगता है इस पृथ्वी के ऊपर आज तक जितने कवि हुए सबसे बड़े कवि भगवान वाल्मीकि थे, जिन्होंने महान ग्रंथ रामायण की रचना की। रामायण एक तरह से हमारे देश की फाउंडेशन है, नींव है, जिस जो सदियों से हमारे को प्रेरणा देती आई है। भगवान वाल्मीकि के जीवन से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। और जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है, वाल्मीकि समाज के लिए एक के बाद एक बहुत सारे निर्णय हम लोग लेते आ रहे हैं। अभी भाई साहब ने आपके समक्ष कई सारे निर्णय रखे कि पहला मंत्री हमने वाल्मीकि समाज का आम आदमी पार्टी ने बनाया था, पहला डिप्टी स्पीकर आम आदमी पार्टी ने बनाया था। पर सबसे बड़ी बात है नेता विपक्ष राकेश जी, तो सबसे बड़ी बात लेकिन है, कल आप लोगों ने देखा होगा 600 से ज्यादा सफाई कर्मियों को कल पक्का किया गया, उनको पक्का करने के लेटर दे दिए गए। और पिछले 2 साल से जब से हमारी सरकार नगर निगम में आई है, कई हजार सफाई कर्मियों को पक्का अभी तक कर दिया गया है। तो ये पक्का करने का सिलसिला चल रहा है। दूसरी जो बड़ी बात हुई है, एमसीडी में नगर निगम में हमारी सरकार आने के पहले 6-6 महीने 8-8 महीने तक सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती थी। सफाई कर्मचारी बेचारे कोई अमीर लोग नहीं है, गरीब लोग हैं। महीने में तनख्वाह आती है, उसी से घर का गुजारा चलता है, घर रोटी देते हैं, घर का खर्चा चलाते हैं, रोटी खाते हैं। अगर 8-8 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी तो अच्छे खाने के लिए बताओ। अब जब से एमसीडी में हमारी सरकार आई है, हर महीने के पहले हफ्ते में आपके बैंक अकाउंट में आपकी तनख्वाह जाती है। आपको सम्मान के साथ जिंदगी जीने लगे, आपकी तनख्वाह जाती है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। मैं जहां भी जा रहा हूं, सबसे बड़ा आशीर्वाद वाल्मीकि समाज से इसी बात का मिलता है कि सर आपने हमारी तनख्वाह टाइम पे दिला दी। पहले हमने दो और बड़ी बातें बताना चाहता हूँ आप लोगों को। आज ही पंजाब के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि जैसे दिल्ली में हमने सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का काम शुरू किया है, दिल्ली तो फिर भी आधा स्टेट है, ये लोग हर काम में टांग अड़ाते हैं, पंजाब फुल स्टेट है, वहां बड़ी तेजी से करेंगे, पंजाब में भी सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का काम शुरू किया जाएगा। और एक बात आप लोगों के लिए, अमृतसर में भगवान वाल्मीकि का बहुत बड़ा मंदिर आप सब लोग जानते हैं, है ना? उस वहां पे अभी पंजाब सरकार ने 32 करोड़ रुपए खर्च करके भगवान वाल्मीकि का एक पैनोरमा बनाया है, चित्रावनी बनाई है, म्यूजियम बनाया है, आज उसका उद्घाटन किया गया है। उसमें 14 बड़ी बड़ी शानदार हाईटेक गैलरी है, 3D 4D के जरिए भगवान वाल्मीकि के पूरे जीवन का चित्रण वहां दिखाया गया। मेरी आप हेलो क्या हुआ हमारे बीच में वाल्मीकि मेरी आप सब लोगों से आप सब लोगों से मेरी विनती है कि समय निकाल के अमृतसर जाके उस म्यूजियम को, भगवान वाल्मीकि के म्यूजियम को जरूर देख के आए और वहां से उनके जीवन से प्रेरणा लें। बहुत ही शानदार है। मैं भी सोशल मीडिया पे आज देख रहा था, जो जो लोग गए हैं देखने के लिए, सब लोग अभिभूत होके आए हैं कि इस तरह का भी काम हो सकता था। तो आप लोग जरूर जाएं। आज आप लोगों ने मुझे बुलाया, आपने बीच में इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान वाल्मीकि की जय। भगवान वाल्मीकि की जय।